ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा. नवरात्र उत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून त्यासाठी सर्वत्र जय्यत तयारी सुरू आहे. उल्हासनगर शहरातही उल्हासनगरची माऊली या देवीचं पाठपूजन सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. सागर उंटवाल फाउंडेशनच्या माध्यमातून हा नवरात्री उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. त्यासाठी विविध देखावे तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. मागील वर्षी केदारनाथची प्रतिकृती साकारण्यात आली होती, यंदाही अशाच प्रकारे नवीन देखावा उभारला जाणार आहे. आज पाठपूजन करून देवीची आराधना करण्यात आली. यावेळी मोठ्या संख्येने युवक वर्ग सहभागी झाला होता. जैसे की आप सभी को पता होगा कि पिछले साल हम लोगों ने गोल मैदान पर नवरात्रोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया था और हमारे शहर उल्लासनगर के साथ साथ पूरे थाने जिले से लोगों ने आकर वहां पर देवी के दर्शन का लाभ लिया था. तो इस बार भी हम लोगों ने सभी दोस्तों ने मिलकर ये सोचा कि पिछले बार हमने नवरात्रोत्सव मनाया तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमारे शहर हमारे जिले की जनता ने दिया, तो इस बार फिर से हम सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस बार भी हम लोग नवरात्रोत्सव पिछले साल से ज्यादा जल्लोश से मनाएंगे, जोश से मनाएंगे. तो उसी कड़ी में यहाँ पर आज उल्लासनगर 4 में जहाँ पर हमारी देवी की मूर्ति बनती है वहां पर आज पाठ पूजन का कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर युवाओं ने आकर बहुत बड़े पैमाने पर सहभाग लिया. तो मैं आए हुए सभी मेरे मित्रों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उल्लासनगर के गोल मैदान पर 12 तारीख को देवी के आगमन का कार्यक्रम रखा गया है 12 अक्टूबर गुरुवार के दिन, और 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो कि नवरात्रोत्सव का पहला दिन है और उससे लेकर दशहरे तक देवी के दर्शनों के लिए वहां पर एक भव्य मंदिर सजाया जा रहा है. तो आप सभी से मेरी विनंती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने परिवार के साथ आइए और वहां पर दर्शन कीजिए. मैं आप सभी को एडवांस में बहुत सारी नवरात्रोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ. जय माता दी, जय श्री राम, जय बोल जयकार का बोल दरबार की रामचंद्र की हनुमान की जय श्री राम. धन्यवाद. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.